खान औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। शिवसेना भवन में आढ़ावा बैठक संपन्न, शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे ने किया उपस्थितों को मार्गदर्शन। शहर के मुख्य व्यापारी गढ़ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मनपा ने चलाया हथौड़ा। नए मतदारों ने जागरूक रहकर अपने मत का सही उपयोग करने की सहायक मतदान नोंदणी अधिकारी ने की अपील। किरणपुरा वासियों ने लिया मुफ्त मेडिकल कैंप का लाभ। सरकार सूखा घोषित करके तुरंत उपाय योजना करे लागू, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने की मांग। गंगापुर खुलताबाद आढ़ावा बैठक आज औरंगपुरा के शिवसेना भवन में माजी खासदार चंद्रकांत खैरे के उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बैठक में चंद्रकांत खैरे इन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया, साथ ही उबाठा शिवसेना पक्ष से शिंदेगढ़ के शिवसेना पक्ष में किसी भी कार्यकर्ता ने प्रवेश नहीं किया, झूठे नाम बताकर अफवाह फैलाई जा रही है, इन अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे इन्होंने नागरिकों से की है। आज गंगापुर और रत्नपुर मतदार संघ की आढ़ावा बैठक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता कि झूठी बात में आ जाती है, मीडिया में झूठी बात में आ जाती है कि शिवसेना शिंदे के साथ कार्यकर्ता का प्रवेश, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद में शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के गट से ये गए ऐसा ऊपर समझता, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं, और इसलिए उन्होंने कार्यकर्ता बताया कि कुछ नहीं, जो भी फंड्स गए जिसको वो गए, बाकी कोई गए नहीं, बाकी इसमें झूठे नाम डाल दिए। इसका आढ़ावा मैंने लिया और उसका आढ़ावा लोगों ने बता दिया कि यहाँ कोई गए नहीं करके, ये झूठे नाम डाल दिया गया। और इस बहाने से गंगापुर और रत्नपुर मतदार संघ की बैठक भी अपन ने ले ली और कार्यकर्ताओं को उसके बाद में एक जबरदस्त ऐसा एक मूवमेंट चालू कर दिया, और अभी ये सब चालू हो जाएगा। फिर गंगापुर के नगर पालिका है, पंचायत समिति है, खुलताबाद की है, इसके सब है, और उसके बाद में फिर आमदार की लोकसभा और बाकी के जो इलेक्शंस हैं उसकी तैयारी अभी शुरू हो गई, और वो तैयारी शुरू होने के बाद में अभी जो भी इधर उधर जाता है तो उसको रोकने का काम हम लोग मतलब रुक गए, ऊपर गए नहीं, और सब साथ में रहेंगे ऐसा इन्होंने बता दिया। और मैंने उनको सबको बाकी क्या प्लानिंग करने की आज पूरी माइक्रो प्लानिंग नहीं बता रहे, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी माइक्रो प्लानिंग अभी शुरुआत करेंगे तो उनको बताइए। और हमारे सारे लोग जो है मुंबई से भी आने वाले हैं, कि मैंने बताया नहीं इनको, हमारी एक रचना ऐसी होने वाली है कि शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे, उसके बाद में ऊपर रहते दोनों भी जैसे घोषणा करता है, और एक उसके बाद में हमारे जो मतदार संघ के आते हैं वो भी साथ में रहेंगे, जो मतदार संघ के संप्रभु जो अभी अपॉइंटमेंट है वो भी आएंगे, उसके बाद में महिला आघाड़ी, युवा सेना, ये सब मिलकर ऐसी एक कमेटी रहेगी, ये दो मतदार संघ के, दो लोकसभा मतदार संघ के, जालना और संभागे का, वो पूरे कम्प्लीटली पूरा उधर ही ख्याल देने का, महफूज करने का, इलेक्शन भी ये दोनों मतदार संघ कैसे जीतेंगे हम, उसकी प्लानिंग माननीय उद्धव जी ने हम शिवसेना नेताओं को बताया, और उसके कारण से हम लोग ये बैठक ऐसा लोजेगा। इनकी बैठक बाद में मुंबई में शिवसेना भवन में भी होने वाली है, और एक एक दिन एक 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 इसकी होगी, नहीं तो कभी कभी एक एक दिन में दो दो तीन तीन होगी, और उनको सबको अभी बता दिया हमें कि अपने मुंबई में भी जाना पड़ेगा। अभी बहुत सोपा है, अभी मैं ये बताऊँगा कि जो भी जनता नाराज़ है, महंगाई ज़्यादा हो गई, किसान परेशान है, ये सारी बातों के कारण से, और झूठ बोल रहे बीजेपी के लोग, ये सब झूठ बोलने के कारण से लोग जनता नाराज है, जनता परेशान है, उसका बेनिफिट माननीय उद्धव जी ने सबका क्वेश्चन रेज करके खड़ा किया, और वो कारण से जनता उद्धव साहब के बाजू में। मैं एक बताऊंगा आपको, जो भी छोड़ के गए शिवसेना में, जो भी छोड़ के गए उस दिन का उनको महत्व रहता हार तोड़े, उसके बाद में एक आदमी भी जाता नहीं, जो भी हमारे यहाँ के जो दो चार पांच फूल गए उनके पास कार्यकर्ते कोई नहीं आती, कार्यकर्ते भी जाते नहीं, जनता भी नहीं जाती, वो गद्दारे करते नहीं। जनता के लिए कि शिवसेना माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना यही एक निष्ठ काम करने वाले कार्यकर्ता है, काम करने वाले संगठन है, और सबको मदद करने वाली प्रामाणिक पद से मदद करेंगे।
महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत, इन्होंने औरंगपुरा महात्मा ज्योतिबा फुले पुतले के पास से गुलमंडी और गुलमंडी से दीवान देवड़ी, कुम्हारवाड़ा, रंगार गली इन एरिया की पहानी की। उसके बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। कुम्हारवाड़ा गायत्री चाट भंडार के सामने से वसंत भवन मछली खड़क यहाँ के अतिक्रमण को निष्कासित किया गया। इस कार्रवाई पर गुलमंडी परिसर के व्यापारियों ने महानगर पालिका का आभार व्यक्त किया। ये कार्रवाई महानगर पालिका के आयुक्त जी श्रीकांत के आदेश पर अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग के मंगेश देवरे इनके मार्गदर्शन पर, सहायक आयुक्त रमेश मोरे, इमारत निरीक्षक सैयद जमशेद, सैयद यूनुस, अतिक्रमण विभाग मजदूर तथा विद्युत विभाग कर्मचारियों ने की है। ये जानकारी अतिक्रमण विभाग की तरफ से दी गई है। आज माननीय प्रशासक तथा आयुक्त महोदयांनी सकाळी औरंगपुरा भागातली पाहणी केली आणि त्यांनी अतिक्रमण जिथे झालेत त्या भागातली पाहणी करून अतिक्रमण विभागाला निर्देश दिलेत की या भागातले अतिक्रमण सर्व हटली पाहिजेत आणि व्यापाऱ्यांना आणि नागरिकांना जो काही त्रास होतो तो कमी झाला पाहिजे। तर त्या अनुषंगाने आपण आजच माननीय आयुक्त महोदय तसे अतिरिक्त आयुक्त महोदय यांच्या मार्गदर्शनानुसार कारवाई सुरू केली आहे आणि ही कारवाई नियमित राहणार आहे। याच्यामध्ये पुन्हा जर अतिक्रमण केले तर त्या अतिक्रमण धारकांचे सामान पुन्हा मिळणार नाही, त्यांची गाडी असेल किंवा त्यांचं इतर काही सामान असेल ते महानगरपालिकेतर्फे जप्त करण्यात येईल आणि ते पुन्हा मिळणार नाही। याची सर्व अतिक्रमण धारकांनी आपल्या माध्यमातून मी त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी दखल घ्यावी आणि जे काही आपले व्यापारी आहेत ज्या महानगरपालिकेला टॅक्स भरतात त्यांनी आपल्या दुकानासमोर अतिक्रमण धारकांना बसू देऊ नये, त्याच्यामुळे त्यांचंच नुकसान होत आहे आणि नागरिकांचं देखील नुकसान होतं, वाहतुकीचा अडथळा होतो। तरी सर्वांना आवाहन आहे की अतिक्रमणांपासून आपली दुकानं मुक्त ठेवावी। फिरत्या गाड्या ज्या असतात त्यांना अपेक्षित असं आहे की त्यांनी फिरून आपला व्यवसाय करावा, एका ठिकाणी उभं राहून ते व्यवसाय करू शकत नाही, त्यासाठी महानगरपालिकेला टॅक्स भरावा लागतो आणि परवानगी घ्यावी लागते। तर जी काही स्थायिक दुकानं आहेत त्यांनाच फक्त आपण परवानगी तशी देतो, जे फिरते व्यवसाय करणारे आहेत त्यांना पथविक्रेता म्हणून आपण म्हणतो, त्यांना इतर लाभ मिळतात, परंतु त्यांनी फिरता व्यवसाय करणं अपेक्षित आहे। त्यांनी एका ठिकाणी बसून जर व्यवसाय केला तर वाहतुकीचा अडथळा होतो आणि सर्वांना त्रास होतो। मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर में केंद्र स्तरीय अधिकारियों की बैठक आज संपन्न हुई। स्कूल और कॉलेजेस के टीचर्स बीएलओ अधिकारी के तौर पे काम करेंगे। मतदार नोंदी अधिकारी रामेश्वर रोड के इन्होंने उपस्थित अधिकारियों को मार्गदर्शन किया। 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरे होने वाले नागरिकों की नोंदनी और जो लोग अन्य जगहों पर शिफ्ट हो गए या मृत हो गए ऐसे लोगों की नोंदनी और यादी दुरुस्त करने का काम कैसे किया जाए, इस बात का मार्गदर्शन इस बैठक में किया गया। यह कार्य पूरे महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा, ऐसी जानकारी औरंगाबाद मध्य के 107 के सहायक मतदार नोंदनी अधिकारी इन्होंने मीडिया को दी। सहायक मतदार नोंदनी अधिकारी औरंगाबाद मध्य 107 या मतदार संघातून इथे काम करत आहे। मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर इथे आज आत्ताच आमचं केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणजेच BLO बूथ लेवल ऑफिसर यांची बैठक झालेली आहे, सुपरवायझर्सची बैठक झालेली आहे। या बैठकीचे अध्यक्ष माननीय श्री रामेश्वरजी रोडगे सर होते, ते आमचे मतदार नोंदणी अधिकारी आहे। त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही सर्वजण इथे काम करत आहोत। तर हा जो आपला कार्यक्रम आहे 1 जानेवारी 2024 या दिवशी ज्यांना 18 वर्ष पूर्ण होणार आहे अशा मतदारांची नोंदणीसाठी हा कार्यक्रम चालू आहे आणि जे लोक शिफ्ट झाले किंवा मयत झाले किंवा त्यांचं काही नावामध्ये दुरुस्ती आहे त्यांच्यासाठीसुद्धा ह्या कार्यक्रमामध्ये आपण फॉर्म भरून हे सर्व कार्यक्रम पार पाडलेले आहे। आता आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत। तर ह्याच्यामध्ये अजून काय आपली यादी दुरुस्त करण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो यासाठी आपण आता ही बैठक घेतलेली आहे आणि अशाबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केलेलं आहे। 18 ते 19 वयोगटातील जे नवीन मतदार आहे यांनी जास्तीत जास्त या प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावं यासाठी त्यांची मतदार नोंदणी वाढवण्यासाठी त्यांचा टक्का याच्यात वाढवण्यासाठी आता आमचे सर्व अधिकारी कामाला लागलेले आहेत, आम्ही पण त्या दृष्टीने प्रयत्न करतो। यामध्ये शिक्षक हे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणजे BLO म्हणून काम करत आहेत। BLO जे असतात त्यांना प्रत्येक मतदार यादीचा एक पार्ट दिलेला असतो, एक यादी त्यांच्याकडे दिलेली असते। नाही, हे पूर्ण महाराष्ट्रात चालतं। माझा त्यांना हाच मेसेज राहील की नवीन मतदारांनी आपल्या हक्काबद्दल जागरूक राहायचं आहे। जेव्हा आपण यंत्रणेला दोष देतो तेव्हा आपणही आपलं कर्तव्यामध्ये काय कमी पडतो का हे बघितलं पाहिजे। आपल्याला आपला नेता निवडण्याचा अधिकार आहे आणि तो आपण काळजीपूर्वक निवडण्यासाठी आधी आपल्याला मतदार होणं गरजेचं आहे। तर मी नवमतदारांना, महिलांना, सर्व
सर्व वर्गातील सर्व लोकांना 18 वर्षापेक्षा जे जास्त आहेत त्यांना हे आवाहन करते की त्यांनी आपलं मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आपल्या नावाची यादीमध्ये खात्री करावी. खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. रिलायबल इंटरनेट की है तलाश, तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट. शुरुआती पैकेज सिर्फ ₹250 से. पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीम लाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान. चॉइस आपकी, सर्विस हमारी. UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है. समाज सेवक MIM नेता ईसा खान और ख्वाजा गरीबन नवाज हॉस्पिटल की तरफ से किराटपुरा में आज एक दिन का फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक किया गया था. इस कैंप में महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर समीर खान, इन्होंने पेशेंट का चेकअप किया. किराटपुरा के साथ आसपास के एरिया के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कैंप का लाभ लिया. किराड़पुरे के साकिनान मुबारकबाद के मुस्तैक स्वास्थ्य है कि उन्हें एक ऐसा नुमाइंदा उन्होंने यहाँ से चुन के दिया था आज से तकरीबन 8.5-9 साल पहले, जिसके कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद भी वो अपने यहाँ पर उनकी खिदमत अंजाम दे रहे. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तकरीबन हर कॉरपोरेटर और हर पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता ये कोशिश करता रहता है कि वो अवाम की समस्याओं को हल के लिए कोशिशें करते रहें. अभी 15 दिन पहले ही आई साहब की ही इसी वार्ड के अंदर तकरीबन 50 लोगों को जो है तो मुफ्त गैस कनेक्शन की जो स्कीम है उज्ज्वला स्कीम, उसके फ़ायदा उठाते हुए बांटा गया उन लोगों को. अभी मज़ीद जो है तो आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर तकरीबन 100 लोगों को और गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे. इससे पहले आई साहब ने वार्ड के जो लोग जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं दवाखानों को डायबिटीज़ के इलाज को, उसके लिए आज यहाँ पर खुसूसी फ्री मेडिकल कैंप रखा था. माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि सुबह से तकरीबन 450 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठा चुके हैं. और ये कैंप हालांकि 2 बजे ख़त्म होने वाला था, लेकिन आई साहब का कहना है कि लोगों को देखते हुए यहाँ पर उसकी वक्त और बढ़ाया जा रहा है. जितनी भी स्कीम्स है और जो मेडिकल कैंप्स है, ऐसे कई एक्टिविटीज़ है जो ये कारपोरेटरशिप से हटके, तो ये यकीनन हाजी साहब के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से. मैं खुद यही सोचता हूँ कि हर मतलब महीना डेढ़ महीने में एक बड़ी एक्टिविटी करते रहते हैं और उसका फायदा लोग यहाँ के बराबर उठाते हैं. आप देख रहे होंगे पीछे कितना बड़ा हुजूम लगा हुआ है और लोगों की इसकी ज़रूरत है. आज मैं समझता हूँ कि हाजी साहब मुबारकबाद के हकदार है कि उन्होंने आज मजलिस की तरफ से यहाँ पर जो है तो एक नुमाइंदगी पेश की और लोगों को सहूलत का काम मुहैया करवाया. उसके अलावा जो कार्ड्स है 5 लाख रुपए वाले, 10 लाख रुपए तक जो आज गवर्नमेंट हमारे को इलाज के लिए मुफ्त दे रही है, तो वो कार्ड भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं. तो बहुत बड़ा कदम है और काफी लोगों का रिस्पांस भी है माशाल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है किराड़पुरे में पाली बम्बे के पास में. उसमें हमारे शहर अध्यक्ष शारिक साहब आए हुए, हमारे सीनियर लीडर नासिर सिद्दीकी साहब आए हुए हैं और हमारे दूसरे महल्ले के जिम्मेदार लोग भी हैं. ये हमारा ये जो पहला कैंप नहीं है, हर साल हर बारी में कैंप लेते, साल में 3 कैंप लेते. अगस्त 10 अगस्त को एक मेगा कैंप होता, उसके बाद दिसंबर के महीने में एक कैंप होता और एक रमज़ान के बाद में मार्च अप्रैल में एक कैंप होता. इसी तरीके से हर साल मेडिकल कैंप लेते और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती हम उसको किराड़पुरे में इम्प्लीमेंट करते, लाते, उसको आवाम के बीच में देते. और ये मजलिस का काम ही है, असदुद्दीन अवैसी साहब का काम, इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पे कि हम सब पूरी टीम मिलके काम करती. और मेरा इसाक कोई नाम नहीं है, मैं मजलिस का एक कार्यकर्ता है, मजलिस का एक नुमाइंदा है और वो हैसियत से मैंने जो भी काम करता हूँ तो मजलिस के हैसियत से काम करता हूँ, एक नुमाइंदा कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता हूँ. मराठवाड़ा में 29% कम बारिश दर्ज की गई है. मराठवाड़ा के जलसाठा का पानी भी 20 से 30% के आसपास है. अपर्याप्त बारिश और बांध में कम जलसाठा के कारण मराठवाड़ा में हर जगह सूखे की स्थिति है, लेकिन सरकार ने केवल कुछ तालुकाओं को सूखा घोषित किया है, बाकी जगहों पर भी सूखे की स्थिति है. इसीलिए बाकी तालुकाओं में भी सूखा घोषित करके सूखे की उपाय योजना को तुरंत लागू करें, ऐसी मांग स्वाभिमानी शेतकरी संघटन की तरफ से डिविजनल कमिश्नर को की गई. पावसाच्या खंडामुळे व सध्या पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड असं नुकसान झालेलं आहे आणि महाराष्ट्र सरकार या ठिकाणी एकमेकावर चिखल फेक करण्यात
तसेच एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप करण्यामध्ये या ठिकाणी सर्वसामान्य शेतकरी व सर्वसामान्य कष्टकरी याकडे अजिबात सरकारचं या ठिकाणी लक्ष नाही। त्या अनुषंगाने आज पश्चिम महाराष्ट्रात असेल राजू शेट्टी साहेब या ठिकाणी ऊस उत्पादकासाठी आंदोलन करत आहे, तसेच आमच्या संघटनेचे रविकांतजी तुपकर हे विदर्भात आंदोलन करत आहे। त्या अनुषंगाने मराठवाड्यामध्ये आंदोलनाची धग या ठिकाणी कमी असल्यामुळे आणि कुठल्याही प्रकारचं आंदोलन नसल्यामुळे या ठिकाणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आज छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर उपोषण या ठिकाणी आपण केले आहे। यामध्ये प्रमुख मागण्या की कमी पावसाचा खंड आणि अवकाळी झालेलं नुकसान या ठिकाणी तातडीने शेतकऱ्यांच्या नुकसान पंचनामे करून त्यांच्या खात्याला जमा करावे, सरसकट कर्जमाफी असेल, कांदा निर्यात बंदी असेल, इथेनॉल निर्मितीवर बंदी असेल आणि या ठिकाणी पीक विम्याची अग्रिम रक्कम ज्या ठिकाणी तातडीने सरकारने या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी अशा अनेक मागण्या घेऊन या ठिकाणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही या ठिकाणी उपोषणाला बसलेली आहे। मागणी जर पूर्ण नाही झाली तर या ठिकाणी रस्त्यावरची लढाई या ठिकाणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं करण्यात येईल। मी कृष्णा साबळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हा अध्यक्ष राहणार रामपुरी तालुका जिल्हा संभाजीनगर। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV नेटवर्क।